सी डी कोई भी नहीं आ रहा बी एंड डी इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर बी में इसलिए आपको मार्क करना था बी

बनता है अराउंड तो आपको ऑप्शन नंबर डी मार्क करना था एज आंसर ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन मार्क द इन करेक्ट मैच तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ह्यूमन ब्रेन से कुछ पॉइंट्स है सेरेब्रल आप पेज नंबर में देख सकते हैं जो कि नॉन एडिटेड है और एडिटेड में आपको ब्रेन का डायग्राम जो मिलेगा उसमें आप देख लेना एक सेरेब्रल एक्ट एक जगह है जो कि मिड ब्रेन से होके गुजरता है और एक एक्स्ट्रा लाइन इसमें लिखा हुआ है कि तेर कनेक्ट द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन फिर भी ये लाइन तो एन में है कि कैनल तो तक है उसके बाद ये एसोसिएटेड लाइन मे बी वो एड कर सकते हैं इसलिए हमने डाल दिया नेक्स्ट वन इज इसका मतलब ये करेक्ट है बी था यह करेक्ट है लिंबिक सिस्टम द इनर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इन्वॉल्व इन द रेगुलशन ऑफ सेक्शुअल में आता है amygdala, एंड वेसल गैंग्लिया उस वो हाइपोथलमस के आसपास के एरिया में रहते हैं और हाइपोथलमस भी सेक्शुअल बिहेवियर को सपोर्ट करता है तो ये आंसर मतलब ये ऑप्शन जो है करेक्ट है फाइबर ट्रैक्स इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन पार्ट ऑफ हाइड ब्रेन जो कि हमारे हाइनब्रेन में रहता है और वो डिफरेंट ब्रेन के रीजन्स को हाइंड ब्रेन में कनेक्ट करके रखने में हेल्प करता है दैट मीन्स इज वर्किंग लाइक सेल सॉरी फॉर्पस कैलोसम जो कि कनेक्ट करता है हर पॉइंट को जैसे हम पेंडाकल या तो नज बोलते हैं तो इसमें हमें पूछा था इनकरेक्ट इसलिए आपको मार्क करना था बी ओके okay, बाकी ऑप्शंस आप याद करके रख लेना और एनसीईआरटी का ही ये लाइन है इसमें बस एक लाइन ऐड किया गया है कि वो थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट करता है मे बी फ्यूचर में कभी पूछ ले ये जानकर ओके okay? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 154 ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है बायोटेक का है बायोटेक के प्रिंसिपल का बैलिस्टिक जीन गन और जीनगन मेथड इज स्वीटेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल हमें पता है कि जब भी हम डीएनए को लेते हैं वो हाइड्रोफिलिक होता है तो हमें किसी भी सेल को पड़ता है, जिसमें एक सा मशीन होता है जिसके अंदर डीएनए को गोल्ड और टंगस्टन से कोट करके विद हाई वेलोसिटी हम उसे डालते हैं या तो गोल्ड या तो टंगस्टन जिससे कि डीएनए डैमेज ना हो उसी को हम बायलिस्टिक या तो जीनगन मेथड बोलते हैं और ये प्लांट सेल प्लांट्स सेल ट्रांसफॉर्म

या तो रेट्रोवायरस के बाद आ गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन उसका टीआई प्लास्मिड टीआई प्लाज्मिन में होता है टी डीएनए टी डीएनए एक ऐसा डीएनए का पार्ट है जो जब भी सेल के अंदर एंटर करता है इट्स रिस्पांसिबल फॉर ट्यूमर तो उस टी डीएनए पार्ट को हम निकाल लेते हैं दे आर कैपेबल ऑफ सिक्रेटिंग सर्टेन केमिकल व्हिच फंक्शन लाइक फाइटो तो हार्मोन ऑक्सिन साइटोकाइनिन तब जाके वो ऑटोमेटिकली प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म कर सकते आफ्टर डिसआर्मिंग आल्सो तो डिसआर्म पैथोजंस का बेस्ट एग्जांपल है रेट्रोवायरस दिस, फॉर एनिमल सेल ट्रांसफॉर्मेशन और जीन थेरेपी एंड प्लांट के लिए आपको याद रखना है टीआई प्लाज्मेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन जिसे हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं ओके okay? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दैट क्वेश्चन नंबर 155 क्वेश्चन नंबर 155 एक्सक्रीशन uh, से पूछा है द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट प्लेज़ अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग मेडुलरी इंटरस्टीशियल ऑस्मोलेरिटी ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय ह्यूमन किडनी इज तो हमें पता है कि हमारे नेफ्रॉन में एक डिसेंडिंग uh, लिंब है जो पहले थिक है फिर थिन है ओके okay? और फिर है आपका एसेंडिंग लिम पहले थिन है और फिर थिक है सो so, इस पोर्शन से असेंडिंग लिम्ब से एन निकलता है और सम सॉर्ट ऑफ सम परसेंटेज ऑफ यूरिया भी निकलता है और यही हमारे रीनल पिरामिड के अंदर इंटरस्टिशम में रह जाता है जब ये एन कलेक्ट करता है वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पोर्शन और जाते वक्त असेंडिंग पोर्शन से निकलते वक्त असेंडिंग पोर्शन उसे छोड़ देता है रीनल पिरामिड में तब जाके एन और यूरिया के वजह से रिनल पिरामिड के इनर मेड्यूला में 1200 हंड्रेड मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स का एक परसेंटेज बनता है जिससे बहुत हाई कंसेंट्रेशन होता है हाइपर ऑस्मरिटी और उसी के कारण कलेक्टिंग डक्ट वाटर छोड़ता है यूरिन और ज़्यादा कंसेंट्रेटेड होता है लेकिन इसमें मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मैंने दिया था कि अगर असेंडिंग लिम ऑफ ऑफ लुपोफेनली या तो असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासरैक्टा दोनों मैंशन है और एन किसके वजह से मेड्यूलर इंट्रस्ट्रेशन में रहता लिखा है तो द बेस्ट आंसर इज असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासरेक्टा ंगथ एसेंडिंग लिम ओके लेकिन अगर एसेंडिंग पोर्स है

Uh, मतलब हाई विध हाई ऑस्मिटी मेंटेनिंग द एन एस एल ओके तो वो याद रखना है इसलिए इसमें बेस्ट आंसर आप समझ गए एनएसएल में अगर फिर भी आपको थोड़ा सा वो लगा कन्फ्यूजन आप एक काम करना टू नाइन्टी फोर के टिब्यूल्स का जो दिया हुआ है उसमें पीसीटी के बाद लुपोफेनली का एक पोर्शन है उसके फर्स्ट दो तीन लाइन में लुपोफेनली में वो लिखा ही हुआ है वो ध्यान रखना समझ गए काउंटर करंट ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर असेंडिंग लिम ऑफ लुपोफेनली या एसेंडिंग पोर्शन दोनों में है तो लास्ट में छोटा किस तो है छोटा किस है ठीक है बाद में तो से लेकिन इस क्वेश्चन में तो वो मैंक्टा इसलिए चुपचाप हमें यही मार्क कर देना है क्योंकि ये, इसी ने तो एनएसएल छोड़ा तब ना वास्टा ने लिया फिर ना उसने छोड़ के एनएसएल दिया आपके रिनलिड पिरामिड के इनर मेड्यूला में आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 156 में यहाँ पे बेसिलस थ्रजिस का बायो कंट्रोल एजेंट जो है चैप्टर दैट मींस योर माइक्रोब्स उससे पूछा है इसमें स्टेटमेंट्स है कुछ वो एनसीईआरटी टी स्टेटमेंट्स है तो आपको इसमें क्या करना है निकालना है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ बैक्टीरियम बेसिलस थ्रिंजिस एज अ बायो कंट्रोल एजेंट अ ट्रू

करके टीआई प्लास्मिड के टी डीएनए को निकाल के और क्राइ जीन को फिर दोनों को कम्बाइन करके हमने आर डीएनए बनाया फिर उस आर डीएनए को हमने प्लांट सेल के अंदर डाला जिससे वो प्लांट सेल ट्रांसफॉर्म हो गया और तब जाके बीटी कॉटन या तो बीटी कॉर्न बना ऐसे वैराइटीज बने ओके okay? तो इसमें से फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है सेकंड हमने बात किया था बैक्टीरियल अवेलेबल सचेस एस

Next, a bacterial disease. Uh, bacterial disease will kill the caterpillars but leave other insect unharmed. Yes, because whenever we are talking about Bacillus thuringiensis, affairs, ya toh, uh, dragonflies, ya, Trichoderma, baculovirus, all are what? All are uh, narrow spectrum work because they are not killing other arthropods. They are working specifically narrow spectrum. So, this basis, these four correct. Hai. Ab hai five number. Mein kya hai. Because of the inadequate development of methods of genetic engineering, scientists have not been able to introduce B. thuringiensis.

157 ये आपको पूछा है बॉडी फ्लू सर्कुलेशन से विच ऑफ नॉट सीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दो टर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन एंड ग्राम इज अ पेपर वो याद रखना है सेकेंडली इसमें देखना है कि पी जो होता है atria, जाता है एस और टी इज रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल उसके बाद एक और टर्म है रिपोलराइजेशन ऑफ एक्ट्रिया जो हमें

क्वेश्चन नंबर 158 आपको पूछा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के गैमेटोजेनेसिस से इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन द इज़ वेरी सिंपल स्पर्मेटोगोनिया इज अ जर्म सेल माइटोटिक डिवीजन होकर क्या बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ओके मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होगा तो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स उसके बाद सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद बनेगा स्पर्मेटिड और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन या मेटामॉफोसिस होके शेप चेंज करके बनेगा स्पर्म तो आपको यहाँ पे मार्क करना था सी

तो देखो आप, आप सोचोगे मैम ये लिखा नहीं है लेकिन ये आपको इंडिकेट कर दे रहा करेक्ट है प्लस ये देखते ही पता चल जा रहा है गलत है मोर स्पेसिफिकली अगर ये नहीं भी पता है आपको इससे आप निकाल लोगे ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आना पड़ेगा ओके देख के डर नहीं जाना कि फिगर ये डाटा आपको पता नहीं है कहीं ना कहीं आंसर आपको दिख जाएगा बाई एलिमिनेटिंग द ऑप्शन मसल शोज कंट्रेक्टिबिलिटी एक्साइटेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी करेक्ट है सो इन दैट बेसिस फॉल्स पूछा इसलिए आपको ये मार्क करना था क्योंकि यहां पे लिखना था मेसोडर्मल तब ये करेक्ट होता ओके okay? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव

जॉज एप्सेंट करेक्ट है नो स्केल करेक्ट है पेयर्ड नहीं इसमें अनपेयर्ड होगा तब ये करेक्ट होता तब ये सबके लिए पॉइंट आ जाता इसलिए गलत हो गया तो ये नहीं होगा माउथ वेंट्रल ठीक है स्का्टिजनस फिशेस के लिए गिल्स विद और विदाउट लिखा है तो हमारी बुक में ऐसे कुछ मेंशन नहीं है तो विथ तो होना नहीं था स्किन विथ गेनॉइड और प्लेक्वाइड गेनॉइड नहीं होना था तो इसलिए कहीं ना कहीं गलत आ रहा है तो ये भी नहीं होगा रह गया आपका एफ्स का लास्ट वाला बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स स्किन ड्राई फोल्डिंग्स फॉर्म विंग्स

कंट्रसेप्टिव पिल्स हमें पता है कि उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन रहता है और जनरली जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन स्टेरॉयडल पिल्स है वो जब भी हाई रहता है ब्लड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का परसेंटेज वो हाई करता है हाइपोथेलमस विल सीक्रेट गोनोटोड्रॉप हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन जिससे कि एंटेरपिटेटरी एफ एस एच और एल एच किसी का भी सिक्रेशन ना करे मेनली तो एफ एस एच करेगा नहीं उससे फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होगा ग्रेफेन फॉलिकल नहीं बनेगा एस्ट्रोजन नहीं बनेगा कुछ भी नहीं बनेगा और ओव्यूलेशन होगा नहीं लेकिन जो आर्टिफिशियल

है. इसी तरह से ये साइकिल चलना है जब तक उसे कंसीव नहीं करना हो तो ये इनिबिट ऑब्यूशन करेक्ट है एंड दिस पिल्स एक्चुअली इंडिकेटिंग द एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स दैट इज योर दिस वन योर क्या बोलते हैं उसको सेरोइडल पिल्स जिसमें प्रोजेस्टरॉन का नाम लिखा है प्रोजेस्टोजेन या प्रोजेस्टरॉन दोनों ही करेक्ट है या प्रोजेस्टिन ऐसे वर्ड यूज किया जाता है तो ये करेक्ट है स्टेरिलाइजेशन इनिबेट गैमेट फॉर्मेशन नो स्टेरिलाइजेशन में हम वाज डिफरेंस को कट करते हैं मेल में और फीमेल में हम कट करते हैं फेलोपिन ट्यूब को दैट मीन्स मेल के केस में स्पर्म स्पम बनने का जो साइट है टेस्टिस वो ओके okay है और फीमेल के केस में ओवरी जो है वो ओके okay है स्टेरिलाइजेशन इज नॉट इंटरफेयरिंग विद एनीथिंग ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बस मेल के केस में सीमेंट

कैप में जो म्यूकस है उसे ठीक कर देता है जिससे स्पॉम एंटर ना हो पाए अगर किसी कारण एंटर हो भी गया तो इम्प्लाटिन साइट को वो डैमेज करके रखता है फिर भी और एक उसका फंक्शन है दैट इज स्पॉम जो कि हर एक आयोड का कॉमन फंक्शन है ओके okay? तुम्हें चीज को देखना जिसे नहीं पता आयोडिस नॉर्मली हेल्थ से क्वेश्चन आता है आयोडिस का कॉमन फंक्शन सबका एक ही है फेगोसाइटोसिस ऑफ ऑफ कॉपर कंटेनिंग है सप्रेसिंग द मोर्टिलिटी एंड प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन एंड या प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन और डैमेजिंग द फर्टिलाइजेशन साइट ऐसे कुछ लिखा हुआ है और हॉर्मोनल uh, का तुम्हारा दिया हुआ दियान का सर्वाइकल म्यूकस का टुगेदर विथ फेगोसाइटोसिस तीन पॉइंट है देख लेना एक बार नेक्स्ट है नेचुरल मैथायड चांसेस ऑफ ओवम स्पम्प मीटिंग यस उसका मेन वही है है कि स्पॉमर ओवर मीट ना कर पाए चाहे वो क्विटस इंटरक्टिस हो या हो, ओके? Okay? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी थ्री क्वेश्चन नंबर 163 सिक्सटी थ्री आइडेंटीफाइ द फॉसिल ऑफ अ मैन हु शोड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ह्यूमन एवोल्यूशन वाले पार्ट से पूछा है एवोल्यूशन चैप्टर से ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1400 हंड्रेड सी सी वो तुरंत ही पता चल जा रहा है यही आंसर होगा ये देख के ही फिर भी यूज हाइट टू प्रोटेक्ट देर बॉडी ब्यूट द डेड बॉडीज अगर ये स्टेटमेंट्स है आपको तुरंत पता चल जाएगा दिस इज अबाउट नियन डर थलमैन लेकिन मेरी तरफ से एक सजेशन है आप वहाँ पे बहुत कंपेक्टली लिखा हुआ हर चीज को आप सेपरेट करो बिफोर एट मैन रायोपिथिकस रामापिथिकस उसका पॉइंट को सेपरेट करो एट मैन ऑस्ट्रलोपिथिकस होमो है होमो रेक्टर्स उसका पॉइंट को सेपरेट करो एक बार देखना है विजुलाइज करना है और मॉडर्न मैन में नियंडर मैन क्रोमैगन लिखा नहीं है तो केव पेंटिंग वाला लिख लेना और लास्ट में एक मॉडर्न मैन का है दैट इज होमो सेपिन सेपिन ओके तो उसको सेपरेट करने से आप मार्क कर पाओगे बाद में स्टेटमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन बायोमोलिकल से है मैच द पॉलिसक्राइड्स इन कॉलम वन विद इस ऑकरेंस विद कॉलम टू एंड चूज करेक्ट आंसर तो इसमें है चिटीन अगर हम देखेंगे एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स से हैं स्टार्च अगर हम देखेंगे प्लांट स्टोरेज मॉलिक्यूल है यहाँ पे एक स्टोरेज आएगा ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज में आएगा और सेलोले प्लांट सेल वॉल में आएगा सो इन दैट बेसिस अगर हम देखें आ, इसमें आंसर ए आ रहा है तो आपको ए मार्क करना था ये बहुत सिंपल सा था और एक चीज करोगे यहाँ पे जितने भी पॉलिसेक्राइड्स है ऑल आर होमोपोलीसेक्राइड ये सब होमोपोलिसक्राइड्स के कैटेगरी में आता है ओके okay? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 165 ये आपको पूछा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन से एसर्स न में है ऑल पॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, क्यों

विच नॉट कि आगे क्या होने वाला इवोल्यूशन में क्योंकि इवोल्यूशन डायरेक्शन लेस है तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे दिस स्टेटमेंट स्टाइल सब आस अबाउट व्हाट वो क्या बताना चाह रहा है नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ इवोल्यूशन इसमें सबको डाउट आता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दू एक पेराग्राफ है आई थिंक इन वन थर्टी वन और टू ओके एक बार देख लेना एक पैराग्राफ है लिखा है जिसमें एंथ्रोमोजेनिक एक्शन मतलब ह्यूमन मेड एक्शन के कारण जो भी केमिकल्स है, भी है या तो हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं मेडिसिन कहीं पर भी, भी फेंक दे रहे हैं उसके कारण माइक्रोब्स का बहुत जल्दी म्यूटेशन हो रहा है और वो बहुत जल्दी बदल बदल के बदल बदल के म्यूटेशन करके नया नया स्पेसिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाके वो हमें भी हेम्पर कर रहा है तो ये चीज क्लियर है आफ्टर हुई की म्यूटेशन जो होता है वो डायरेक्शन लेस है वो कहीं पे भी हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि नेचुरल कैलेमिटीज़ के वजह से या हमारे वजह से यूज ऑफ मोर प्लास्टिक्स और केमिकल्स धीरे धीरे जो भी इकोसिस्टम है वो डैमेज हो जा रहा है उसी के कारण स्पेसिएशन होता है या तो कोई एक्सटिंक्ट होगा या तो नया कुछ बनेगा तो वो क्लियर नहीं है वो रैंडम है उसी चीज को हम बताते हैं दिस इज नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ रेवल्यूशन बाकी स्टेटमेंट इससे मिल नहीं रहा है क्योंकि डायरेक्शनल कभी भी म्यूटेशन होता नहीं है लैक ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन एंट्रोपोजनिक हो ही नहीं सकता हमारी वजह से ही इतना चेंजेस आ रहा है मान लो मैंने उनको बच्चों को यह भी एग्जाम्पल दिया था घर पोसते हैं लाइजोल लाइजोल से घर पोषते हैं वही लाइजोल को डायल्यूट फॉर्म को जो भी बच गया बकेट में हम फेंक देते हैं बाहर वहीं पे सॉइल में जो माइक्रोब्स है उसे जब लो फॉर्म में वो चीज मिला लो डोज में तो वो रेजिस्टेंट हो जाता है वही रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया को लेके हमारे शूज के नीचे आके हम घर में आते हैं फिर लाइजोल यूज करो कोई काम में नहीं आएगा क्यों मरेंगे नहीं उससे बीमारी फैलेगी उल्टा इसी तरह से म्यूटेशन होता रहता है चेंजेस आता रहता है डायरेक्शन लास्ट में तो ऐसे इन ऑल ये लिंक ही नहीं कर रहा है इस लाइन से इस बेस्ट आंसर इज नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ एवोल्यूशन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 168 सिक्सटी एट एलाइजा रिफर्स टू ये बैटोकलॉजी से आपको पूछा एप्लीकेशन पार्ट से एलाइजा इज़ ए एनजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बन टसे जिसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं मान लो कि कोई भी एंटीजन है पर्टिकुलर डिजीज जिसे हमें कलेक्ट किया और लैब में उसके अगेंस्ट में हमने एंटीबॉडी बनाया फिर जब कोई भी पेशेंट का ब्लड सैम्पल हमारे पास आया तो उसके शर्म से वो एंटीजन निकाल के हम एक प्लेट में रखेंगे ठीक है थोड़ा सा समझाऊं फिर मैं बोलती हूँ एक प्लेट में रखेंगे प्लेट इस तरह से है तो उस प्लेट में हम क्या करेंगे एंटीजन को पोर करेंगे जो कि पेशेंट्स है हमारे बॉग में आया तो हर प्लेट में एंटीजन रखेंगे और लैब में जो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी है उसे डालेंगे एंटीबॉडीज प्लस एंटीजन ये दोनों को हमने इस प्लेट में डाल दिया टुगेदर विथ एल्कलाइन फॉस्फेटेज इसलिए ये वर्ड आता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम

ओके okay, तो एलाइजा में इसमें डेफिनेशन के बेसिस पे अगर हम देखें एलाइजा रिफर्स टू डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज सिंथिस अगेंस्ट द पैथोजन आप इसमें फंसोगे इसलिए मैंने ये लाइन उठा के दिया अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये लाइन दे देती कि एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन है तो हम माफ कर लेते लेकिन ये लाइन आपने ध्यान नहीं दिया होगा और नीट में गलती ना हो इसलिए मैंने डाला कि डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज सिंथिसाइज अगेंस्ट द पैथोजन इसका मतलब क्या सपोज किसी का कोरोना हुआ था वो बहुत क्रिटिकली इल था उसके बाद वो खुद से ठीक हो गया उसके बाद मैंने उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया आफ्टर तब बॉडी में एंटीजन नहीं मिलेगा क्योंकि वायरस अपना टेन्यो जो भी लाइफ साइकिल वो कंप्लीट कर चुका है तो मैंने कलेक्ट जब किया तो मुझे उसका एंटीबॉडी मिला उसके अगेंस्ट में फॉर्म हुआ ये एंटीबॉडी तो हमें एंटीजन तरह ही हेल्प करेगा क्योंकि लैब में जो मैंने एंटीबॉडी बनाया वो दोनों कोरोना so like yes, हुआ था इसलिए ये बॉडी में ये है इसलिए कलर रिएक्शन शो किया सो so इन ये आंसर डिटेक्शन ऑफ पैथोजन करेक्ट है बाकी ऑप्शन मैंने बोला नहीं कि वो है ही नहीं लिंक यही लिंक है तो आप याद रखना एलाइजा में जो लाइन है तोड़ के दिया है कि वो क्या डिटेक्ट करता है प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन ये किस चीज का इंटरेक्शन है एंटीजन और एंटीबॉडी एक्स्ट्रा अगर आया कौन सा एंजाइम यूज करते हैं एल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो कि एक की रिएजेंट है ओके okay? ये ध्यान रखना होगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी आपको एक्सप्रेशन से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स और एंजाइम्स इज आर करेक्टली प्योर विथ इट्स फंक्शन रेनिन इज अ हॉर्मोन सिक्रेटेड बाई जेजी सेल्स एंड ब्रेक्स एनजियोटेंसिनोजन एंड एनजियोटेंसिन वन यस करेक्ट क्योंकि हमें

यूरिन uh, वो भी याद रखना ओके एंटी बायोटिक हार्मोन इज अ पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर कंस्ट्रिक्ट स्टिमुलेट इतना तक तो करेक्ट है इसके बाद ये गलत आ गया स्टिमुलेट द दिक्रीशन ऑफ दिस नो इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है एट्रियल एट्रियनिक फैक्टर डायलेट एंड एक्सक्रीट सोडियम आउट यूरिन ये भी करेक्ट है तो इसमें हमारा करेक्ट आ रहा है वन टू फोर ये रेनिन के साथ कोई लिंक नहीं है इसका सिक्रीशन का रेनिन का लिंक किससे है सिक्रीशन का जी एफ आर फॉल के साथ इज सोडियम लो जब ब्लड में होगा जे जी सेल्स कैन सेंस इट विद सेलुलर मॉडिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं ओके मैंने फुल टेस्ट वन में ये समझाया था तो ये सेंस करते हैं उसके बाद वो रेनिन को सिक्रीट करते सो दैट so वो एनजियोटेंसिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है जो लीवर सिक्रीट करता है उसे तोड़ के एनजियोटेंसिन वन बना पाए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी क्वेश्चन नंबर 170 बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये प्लांट देख के आप समझ जाओगे ये दतूरा है और इसके इफेक्ट क्या है वो जानना पड़ेगा हेलुसिनोजन ये दतूरा प्लांट हेलुसिनोजेनिक है बिकॉज वो इल्यूशन क्रिएट करता है ओके okay? तो आपको इसमें मार्क करना था ये हेलुसिनोजन तो हेलुसिनोजन में मैं आपको एग्जाम्पल्स बता दूँ जो याद रखना है एक तो दतूरा है जो ये डायग्राम है फिर आपका है उसमें याद रखना है एक है बेलाडोना एट्रोपा बेलाडोना ओके okay? एट्रोपा मैंने लिखा दूसरा आप याद रखना एल बुक से हटा दिया गया है पहले था लाइसर्जिक एसिड डाइथल एमाइड जो कि क्लैसप्स भरपूर या फंजाई से एक्सट्रैक्ट करते हैं हेलोसिनजेनिक इफेक्ट कोकेन का भी है कोक का इसका भी है ओके स्टिमुलेंट में आ जाता है कोकेन, फिर स्टिमुलेंट में आपका आता है एम्फेटामाइन फिर आता है आपका निकोटीन और एक आता है और एक याद रखना कोकेन एम्फेटामाइन निकोटीन निकोटिन एंड अंदर वन इज दिस और केनाबिस सेटावा का जो प्रोडक्ट है भांग गंजा वाला जो भी है कैनाबिस और कैफीन कॉफी का ये सब आएगा स्टिमुलेंट डिप्रेशन में आपको मार्क करना है इसका नर्कोटिक्स वाला जो भी है दट इज पेपेवर्स ऑमनीफरम का जो भी प्रोडक्ट्स है हेरोइन जैसे बोलते हैं मॉर्फिन पेन किलर है तो ये इस कैटेगरी में डिप्रेशन में आएगा और पेन किलर आपको पता है मॉर्फिन है ओके okay, नर्कोटिक जब भी लिखेंगे वो पॉपी प्लांट्स पेपेबर सोमनीफ्रम से ही रिलेटेड है ये याद रखना है ये सबको टफ लगता है थोड़ा सा इसमें एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा कम्पैक्टली है वही चीज को विजुलाइज करने के लिए मैं वही बोलूंगी चीज आग देखे सिंपल उस चीज के लिए आपको एक बार उसको सेपरेट करके लिखना जरूरी है या तो ब्रेन में सेपरेट कर सकते हो वो कर सकते हो सबका अलग अलग होता है कोई लिख के सेपरेट करके देख के याद कर सकते हैं कोई ऐसे ही बुक से याद कर सकते हैं कि वो पैटर्न आपको पता होगा किस तरह से डील करना है फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन वन

ओके चलो नेक्स्ट अभी देखेंगे क्वेश्चन 172 172 केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का है एंडोक्राइन और हार्मोन एक्शन के बेसिस पे एंडोक्राइन ग्लैंड ये है हार्मोन एक्शन इधर आना चाहिए था ओके पैराथायराइड पीटीजी ग्लैपी पैराथायराइड जो होता है ये पीटीएच सीक्रेट करता है एंड इट्स रिस्पांसिबल फॉर डिक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल इन ब्लड तो डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग्रेन चाहे दोनों हम दोनों मिला के, के बोलते हैं तो ये करेक्ट आ रहा है इसलिए आंसर आपको बी मार्क करना था ये गलत आ रहा है डिक्रीजेस में बिकॉज पीटीएच का काम होता है ब्लड कैल्शियम लेवल पीनियल गैन मेलाटोनिन सीग्रेट करता ये, ये है ये करेक्ट है इट इंक्रीज पीपुलरी डायलेशन इसके साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है क्योंकि मेलाटोनिन का आपके बुक के हिसाब से जो पॉइंट है वही मार्क करना था स्लीप वेक साइकिल इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म इन्फ्लुएंस मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ भी ऐसा लिखा रहता तो करेक्ट रहता थाइमस टी फोर इट प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज नो बिकॉज प्रोमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर एक्चुअली रिलेटेड टू थाइमोसिन इज नॉट रिलेटेड टू टी फोर ओके ये टी फोर यहाँ पर गलत है थाइमस का इसका लिंक है और इसका लिंक है ये नहीं होता यहाँ पे इसलिए ये गलत हो गया आंसर आपको बी मार्क करना था

ओके okay, तो पहला वाला है करेक्ट है क्योंकि सेलेक्टेबल मार्करस हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द रिकमेंडन डेन ए फ्राम द पर्टिकुलर होस्ट एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ओके साथ ही साथ इकोलाई में हम कौन कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक वाला क्लोरम्फेनिकॉल टेट्रासाइक्लिन कानामाइसिन ये सब यूज़ करते हैं तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक चीज़ मैं और बता दू कि पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है एम्पिसलिन और टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिन हट जाएगा कब हटेगा इफ यू यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन पी एच टी वन और पी वी यू वन तो वो इनएक्टिव होगा और अगर हमने बाम एच वन सल वन यूज किया तो टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव होगा मान लेते हैं हमने बाम वन यूज किया तो टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव होने के कारण लेटर ऑन दिस पर्टिकुलर सेलेक्टेबल मार्कर वो हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द रिकमेंडेड वन फ्रॉम द होस्ट मतलब रिकमेंडेड होस्ट फ्रॉम द प्लेट और जो

अगे ये तीनों इकोलाई एक प्लेट में प्रेजेंट है ओके okay, अब मैंने यहाँ से बैक्टीरिया उठाया ये सब बैक्टीरियाज दिख रहे हैं मुझे तो मैंने दो प्लेट बनाया मैं एक बार इ करती हूँ इधर बना देती हूँ चलो एक प्लेट मास्टर प्लेट है वो पकड़ लेते हैं यहाँ पे दो प्लेट बनाया इसमें मैंने एम डाला इसमें मैंने टेट्रा डाला हमें याद रखना है कि हम आर डी एन ए जब बना रहे थे हमने इसमें बाम एच वन यूज़ किया था इसलिए टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गया इसका मतलब इसमें टेट्रासाइक्लिन क्या है इनएक्टिव है और एम्पीसीन क्या है एक्टिव है और इसमें क्या है एम्पीसीन प्लस टेट्रासाइक्लिन दोनों ही एक्टिव है ओके okay? और इसमें कुछ ही नहीं है तो ये तो बचेगा ही नहीं ये दोनों प्लेट में तो इसमें तुम्हें क्या मिलना चाहिए एम्पीसीन वाले प्लेट में फ, ये सेकेंड वाला और थर्ड वाला दोनों बैक्टीरिया मिलना चाहिए जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट ही बोलेंगे एक ट्रांसफॉर्मेंट होगा जो नॉन रिकम्बिनेंट होगा और एक होगा रिकम्बेनेट होगा जिसका नंबर है मान लो कि अराउंड वो है फोर है बैक्टीरियल प्लेट काउंट होता है हम गिन सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली फोर हंड्रेड बैक्टीरिया है फिर हमने यहाँ से कुछ बैक्टीरिया उठा के इसमें ट्रांसफर किया तब बचना चाहिए किसे सिर्फ नॉन रिकमेंडेंट को रिकमेंडेंट तो बचेगा नहीं तो इसमें नंबर घट के हो गया टू हंड्रेड तो कहीं ना कहीं इस प्लेट से हमें ये पता चल रहा है कि बैक्टीरिया घटा है इसका मतलब इस प्लेट में रिकमेंडेंट वाले बैक्टीरिया है इसलिए तो नंबर घट के इसमें कम हुआ ना उसका पॉपुलेशन कम हुआ तब हम जब बायोरिएक्टर में कल्चर करने देंगे स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जिसे हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन ऑप्टेनिंग द फॉरन प्रोडक्ट तब हम यहाँ से ही उठा के बायोएक्टर में डालेंगे इसमें से हम क्या डालेंगे तो नॉन रिकमेंडेंट है इसमें तो डालने वाला बचा ही नहीं जो तुम्हारा वाला है तो तुम्हारा वाला तो इसमें है जो तुम्हें चाहिए रिकमेंडेंट वाला तो इस प्लेट का मिक्सचर को हम डालेंगे अगर तुम बहुत लकी हो तो रिकमेंडेंट नॉन रिकमेंडेंट मिलकर फिफ्टी फिफ्टी है फिर वी टू ऑर गेटिंग फिफ्टी परसेंट ऑफ प्रोडक्ट

टीटनी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कैल्शियम लेवल कम हो जाता है ब्लड ब्लड में और इसी के कारण बॉडी फ्लूड में भी कैल्शियम कम होने से वाइल्ड कंट्रैक्शन मसल कंट्रैक्शन होता है ऐसा क्यों थोड़ा सा सुन सकते हो मान लो कि ये तुम्हारा वो है सैनेप्टिक नॉप है ओके okay? प्री साइनेप्टिक नॉब ये मसल है यहाँ अगर कैल्शियम कम है लो है तब टीटनी होता है या तो बॉडी फ्लूड में कहीं पे भी तब क्या होता है पता है सोडियम जो है ज़्यादा एंटर होता है सोडियम मसल्स के अंदर स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर ज्यादा एंटर होना शुरू हो जाता है क्योंकि कैल्शियम रेगुलेट करता है सोडियम का फ्लो इनसाइड द स्केलेटल मसल फाइबर कि कब कंट्रैक्ट होना है

कंट्रैक्शन आता है ब्रेन से सिग्नल है ही नहीं फिर भी कंट्रैक्शन होगा तो उसी को हम टिटाने बोलते हैं ओके okay? और अगर यही चीज कंटीन्यूअसली होते रहे तो बहुत खतरनाक हो सकता है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 175 175 फिर से बॉडी फ्लूइड्स है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर लब देयर इज द फर्स्ट हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ एट्रिवेंट्रिकुलर वाल्स यस जो कि इनिशिएशन किससे रिलेटेड इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो ये करेक्ट है डब सडन ओपनिंग ऑफ सेमिनल ओपनिंग नहीं क्लोजिंग यहां पे क्लोजिंग होता तो ये करेक्ट होता ओके ज्वाइंट डायस्टोल सेमिलर वर्ल्स रिमेंस ओपन नो इस टाइम में ज्वाइंट डायस्टोल में क्लोज रहता है सेमिलर वर्ल्व और एवी वर्ल्व ओपन रहता है ज्वाइंट डायस्टोल इज अ टाइम जब सब चैम्बर रेस्ट में है टी -टू दिखा रहा है करंट नहीं होता एवी वर्ल्व ओपन है सेमिनोनो वर्ल्व क्लोज है ऑरिकल कब डेंट्रिकल को

में आपको ए के साथ कौन सा आ रहा है फाइव आ रहा है तो यहाँ पे ए फाइव यार लिखा ही आंसर बी के साथ फोर आ रहा है निडेरिया का फोर मिला के देखो फोर प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल।

तो ये आपको पता होगा इस बहुत सिंपल है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन एनिमल किंगडम से इस तरह से आते हैं ज्यादातर आजकल तो ये देख लेना है ओके okay? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 177 एक्सक्रीशन से है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी यूरिया इंडिकेट्स किडनी मेल फंक्शनिंग यस क्योंकि यूरिया ब्लड में हाई है इसका मतलब किडनी का प्रॉब्लम है तो मेल फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो ये करेक्ट है करेक्ट यूरिया yes, थोड़ा सा एक्सप्रेट कर स्वेट हेल्प इन रिमोवल ऑफ सम एसिड लेक्टिक एसिड है यूरिक एसिड नहीं इसमें यूरिया होना चाहिए था तब ये करेक्ट होता तो यह गलत है बॉडी आर एक्टिवेटेडेस ऑफ ब्लड वॉल्यूम बॉडी फ्लूड वॉल्यूम एंड आइनस ये करेक्ट है ये रिफरेंस हाइपोथल के हिसाब से दिया है फ्रॉम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन ओके उससे लाइन ये लिया गया है तो इसमें करेक्ट तीन है ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे यूरिक एसिड लिखा है यूरिया होना था ओके okay, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 178 178 क्वेश्चन नंबर व्हाट व्हेन प्लांट्स और एनिमल्स आर इंफेक्टेड विद विद एन एन वायरस दे मे प्रोड्यूस एंटीवायरल सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ क्वेश्चन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट वायरस आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम ऑफ द सब्सटेंस तो जनरली देखा गया है जब वायरस होता है खासकर हम अगर देखें इसमें उसका हमारी बॉडी में अगर देखें इंटरफेरोंसिटेट होता है बिकॉज वायरस इंफेक्टेड सेल हमेशा ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स

हर से अल्फा इंटरफेरॉन देके हम उसे एक्टिवेट करके फिर हम कैंसरस सेल्स को रोकते हैं उसके ग्रोथ का ओके okay? उसे इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं जो बुक में, में मेंशन है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं देयर इज क्वेश्चन नंबर 179 क्वेश्चन नंबर 179 आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल ओविडियन साइकिल से पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द लेवल ऑफ एफएससी चैलेंज एंड प्रोजेस्ट्रोन इज मेंशन करेक्टली इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल थर्टीन टू फोर्टीन रहता है एल भी हाई रहता है प्रोजेस्ट तो रहता ही नहीं है तो हम लो अगर आया तब भी करेक्ट है क्योंकि वो आना शुरू करेगा अभी जस्ट उस डे के बाद ही ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी डे कहें तो ऑटोमेटिकली ये लो लो ही रहेगा प्रोजेस्ट्रॉन हाई रहेगा बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा है इसलिए आपको ए मार्क करना था कन्फ्यूजन वाले कोई बात नहीं कि प्रोजेस्ट्रॉन इसमें लो क्यों लिखा है बिकॉज कहीं ना कहीं थिका सेफेन फॉलिकल रेडी होना शुरू ही हो जाता है टू तो सिक्रीज प्रोजेस्ट्रॉन तो हल्का फुल्का सा लो परसेंटेज मिलता है जो तुरंत ल्यूटल फेस में आफ्टर फोर्टीन डे हाई हो जाता है तब प्रोजेस्ट्रॉन का एक लेवल जो है लो टू हाई दिखना शुरू होता है ओके पिक में अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी

ये सब सब आयोडी का है दिस इज द बेस्ट कंट्रोसेप्टिव मेथड इन इंडिया जो लिखा हुआ है हमारे बुक में अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 181 क्वेश्चन नंबर 181 में पूछा है आपको

मेन चैलेंज ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाल प्रिपेयरिंग द क्योंकि सेपरेटली दो इकोलाई में ए और बी बना के फिर उसे असेंबल करना था वो भी ध्यान रखना रोज द फर्स्ट रंजनिक का प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एंड रिचमेंट ये करेक्ट था ये भी करेक्ट है क्राइवन ए बी एंडोटॉक्सिन ऑप्टेन फ्रॉम बेसिलस फ्रिंजेंसिस इज इफेक्टिव अगेंस्ट कॉर्न बोरर वहाँ पे क्राइवन ए बी क्राई टू ए बी क्राइवन वन ए सी ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो कि स्पेसिफिकली हर अलग अलग इंसेक्ट्स को टारगेट करते हैं वो याद करके रखना आप नहीं तो कन्फ्यूज हो सकते हो तो इसमें आपको पूछा था इनकरेक्ट इसलिए बी था और ये बहुत सिंपल भी था ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन एट्टी टू 182 a sewage treatment process in which as a part of decomposer bacteria present in the waste is recycled into starting of the process it's called activated slush treatment इसमें थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि मैम ने क्या दिया आप ये सिंपल देखो क्योंकि एक चीज़ दिया था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम पहले एक एजिटेटेड टैंक लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन को दे के बाहर से माइक्रोब्स का नंबर को इंक्रीज करते हैं फ्लॉग बनता है वो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं उससे एक्टिविटेड स्लच बनता है वो एक्टिविटे स्लच का तीन फीट है मतलब आगे क्या करना है उससे या तो तुम तो एक बायोगैस का एनोरोबिक स्लच डाइजेस्टर जिसे बोलते हैं उसमें डाल दो ठीक है कुछ पोर्शन से फर्टिलाइजर बनाओ और कुछ इनोकुलम के लिए यूज करो वही चीज इसमें पूछा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच अ पार्ट ऑफ डिकम्पोजर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वेस्ट रिसाइकल्ड इन टू द स्टार्टिंग प्रोसेस मतलब फिर से जब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नेक्स्ट स्टार्ट करोगे पहला वाला तो ये हो गया तुम तो क्लीन करो पानी मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद फिर नदी में छोड़ दो एफेंट सेकेंडरी एफ्लुएंट को

समझ पाए हो गए चार चीज कर लेना तुम दो चीज कर लेना एक्टिवरी स्लज और प्राइमरी स्लज का डिफरेंस अलग लिख लेना और प्राइमरी एफ्लुएंट और सेकेंडरी एफ्लुएंट का डिफरेंस लिख लेना हमेशा याद रखना सेकेंडरी एफ्लुएंट को हम रिवर में छोड़ते हैं उसे हम डायरेक्टली पी नहीं सकते सेकेंडरी इंप्लांट को अगर हम फिर ट्रीट करें ईवी रेस से या तो क्लोरीन से या सम अदर थिंग तब टर्श ट्रीटमेंट होता है जब पानी डायरेक्टली पी सकते हैं जो इंडिया में जनरली लार्ज स्केल में नहीं किया जाता वो अलग सेपरेटिक ब्रांच है उसे साफ करके सप्लाई का पानी घर में आता है या तो फिल्टर करते फिर पीते हैं ओके okay? ध्यान रखोगे नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर वन थ्री देखते हैं द फैक्टर दैट लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट एंड पॉपुलेशन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें पता होना चाहिए इवोल्यूशन का क्वेश्चन है जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा फैक्टर है हार्डी इन लॉ उस दिन फर्स्ट फुल टेस्ट पेपर में मैंने समझाया था जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ अ बाई चांस चेंज इन द नेचर जो नेचर इसके लिए रेडी नहीं था इट मे बी बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलॉमिटीज़ या तो फॉरेस्ट फायर्स हम अपोचिंग किसी चीज़ के बिली। अचानक से मान लेते हैं हम डायनोसोरस पकड़ो या चीता पकड़ो या थिंग तो चीता ही पकड़ लेते हैं चीता पकड़ लेते हैं चीता में बहुत सारे ऐसे चिता थे एक जंगल में रहते थे अचानक से आग लग गया उसका जो भी फेवरेट फेवरेट फूड्स थे या तो जो कुछ भी थे वो सब खत्म हो गए उसे जगह बदलना पड़ा पहले था ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड उस जगह पे इस पर्टिकुलर एंडेंजर स्पेसिस चीता का जगह

उससे क्या हुआ इनबिडिंग तो करने लगे लेकिन कहीं ना कहीं नया एले के बाहर आने के कारण उसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में आगे चल के फर्क पड़ सकता है और एक नया स्पेसीज़ बन सकता है okay? जो कि पेरेंटल से थोड़ा सा अलग रहेगा चिता ही रहेगा लेकिन हल्का सा अलग रह सकता का, का है तो और साथ ही में वो थोड़ा सा अलग दिखने लगा तो अगर वो ऑरिजिनल स्टॉक वाले को हम लाके उसके साथ रखें किसी और जंगल से उठा के वो इंटरप्रिटिंग नहीं भी कर सकते हैं ऐसा होता है कभी कभी तभी जाके एक सब स्पीसीज बनने का आता है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको याद रखना है इट्स ए बाई चांस इन नेचर जो नेचर उसके लिए रेडी नहीं था इट्स एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन एंड ऑलवेज इट्स लिंक नेचर फोर्सेस जिसके कारण वो चेंजेस आता है दो रास्ता है अब जेनेटिक ड्रिफ्ट से बॉटल नेक होगा नंबर कम होगा अगर ठीक से वो एडजस्ट नहीं कर पाए कहीं पे तो एक्सटिंक्ट होगा अगर कर लिया और फ्लरिश हो गया तो फाउंडर इफेक्ट होगा और फाउंडर इफेक्ट में बोलना यह चाह रहा है कि पेरेंटल स्टॉक से उसका एल एलिक फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा और वही आगे जाके स्पेशिएशन का एक कारण बन सकता है इतना याद रखना है ओके okay? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 184 क्वेश्चन नंबर 184 बिसाइड सीएमपी द साइक्लिक दैक्लिकाइड मोनोफॉस्फेट जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्ट ए सेकेंडरी मैसेंजर इन बायोलॉजिकल सिस्टम तब इसमें आंसर कैल्शियम है कि हमारे बुक में तीन ही है एक तो कैल्शियम है एक आईपी3 करके दिया है इनोसिडोल ट्राइफॉस्फेट और डीजी है पीआईपी2 है और भी बहुत कुछ नहीं चाहिए आईपी3 पी ट्राइफॉस्फेट कैल्शियम और न्यूक्लियोटाइड सीएमपी दिस सेकेंडरी मैसेंजर्स आर यूज्ड बाय प्रोटीनस हार्मोन्स एंड योर दिस वन एमाइंडिवस ये लोग यूज करते हैं दर इज एपिनफर नॉन एपिनफरिन ये यूज करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं एंड वेन एवर गेटिंग अटॉज टू द एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर द नीड द सेकेंडरी मैसेजर प्रेजेंट इन साइड द सेल उसको सिग्नल उसी मॉलिकल को देना है कि आगे तुम्हें ये करना है लेकिन जैसे कि स्टेरॉइड्स है या तो आइडोथनस है उनको नहीं चाहिए उनको न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे अटैच होते हैं डायरेक्टली दे रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन बट इन केस ऑफ पेप्टाइड हार्मोन प्रोटीनर्स पॉलिपेप्ट एपिनिफ्रेनिफ्रेंट जो एमाइन है वो डायरेक्टली जाके जीन एक्सप्रेशन बदल नहीं सकते ओके okay? वो ध्यान रखना तभी उनको सेकेंडरी मैसेंजर का हेल्प चाहिए हाँ जीन एक्सप्रेशन लेकिन नहीं बदलते ये कैटेगरी जीन एक्सप्रेशन नहीं बदलते वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू इसलिए काम करते हैं कि वो खुद घुस नहीं सकते वो ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं ना सेल के बाहर उससे अटैच होके यहीं पे रहते हैं और सिग्नल भेजते हैं जैसे कि सिग्नल कैल्शियम ले और आगे काम कर पाए ओके okay? चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 185 एट्टी फाइव सेलेक्ट द करेक्टली मैस्ट पेयर मोलिकुलर ग्लूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यस जिसको हम सीज मोलिकुलर सॉरी सॉरी यहाँ पे गलत बोला मैंने ग्लूज नहीं है एडेसिव अगर होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे होगा डी एन होना चाहिए था इसमें डी एन ए लाइगेज मोलिकुलर सीजर इस रेस्ट्रिक्शन होने के लिए पैसेंजर डी एन ए ट्रांसफोजोम नहीं होगा क्योंकि हमें पता है पैसेंजर डी एन ए को प्लाजमिट बोलना चाहिए ट्रांसफोजोम तो क्या है मोबाइल डी एन ए है जो अपना जगह बदलते रहता है मोबाइल डी एन ए है तो जंपिंग जीन्स जिसे हम बोलते हैं

अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 186 जो कि सेक्शन बी से शुरू हो रहा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग साइनस वेनोशियस रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजोर वेन्स कॉल केवा तो इसमें आपको बोला रॉन्ग चूज करने के लिए तो साइनस वेनोशियस हमें पता है कि ऐसा एक पाउच है जो करता है ब्लौड। ब्लौड रिसीव करता है ब्लड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम बॉडी बॉडी से रिसीव करके ये साइनस वेनोशियस है देता है राइट ऑरिकल को राइट औरकल से डिऑक्सीजनेट बनाता है वेंट्रिकल में एक ही वेंट्रिकल है अब यहीं से वेंट्रिकल से जाएगा स्किन से या तो लंग्स से कहीं से वो लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं फिर ये आता है लेफ्ट ऑरिकल में दो सेपरेट है अलग अलग चैम्बर और एक ही जगह पे मिक्सिंग होता है ओके वेंट्रिकल में मिक्स ब्लड आ जाता है ये मिक्स ब्लड निकलता है मिक्स ब्लड निकल के वेंट्रिकल्स के ऊपर एक पाउच होता है जिसका लोग बोलते हैं कॉनस इसलिए सच काइंड ऑफ सर्कुलेटरी इज कंसिडर्ड टू बी एस इन डबल सर्कुलेशन जो कि मिक्स ब्लड आगे देते हैं बॉडी में द वेंट्रिकल ओपन इंटू ए सेक्लाइक कॉनोसार्ट्रिस्ट जो मैंने बोला था अभी करेक्ट है द एरीथ्रोसाइड अर न्यूक्टेड ये मेमल्स में मैच्योर जब हो जाता है मेमिलियन आरबीसी तो वो इन्यूक्लिएटेड हो जाता है टू एकोमोडेट मोड हेमोग्लोबिन बाकी वोटिब्रेड्स में ऐसा नहीं है नेक्स्ट है स्पेशल वेनस करेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन का रिनेल पॉटल नो ये आपको पता ही होना चाहिए हैपेटिक होना चाहिए तो यहाँ पे इसलिए गलत है बहुत सिंपल था फ्रॉक देख के डर मत जाना तो यहाँ पर तुरंत पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाता ओके okay? तो इसमें हैपेटिक पॉटल है तो इसलिए गलत है इसमें आंसर रॉन्ग पूछा इसलिए आपको डी मार्क करना था अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 187. एट्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन एक्सप्रेशन इन कॉकरोच फैट बॉडीज हेल्प करते हैं यूरिकोस है नेफ्रोसाइट है रेप्रेजेंटेब्यूल्स है इन केस ऑफ मेल वो भी हेल्प करता है मशरूम ग्लैंड मेल कॉकरोच में चार है और फीमेल में इधर आपका आ, रुको रुको फीमेल में आपका चार है और मेल में है और पाँच है क्योंकि मशरूम लन भी ऐड होगा लेकिन एलरी मसल इज एक्चुअली अटैचिंग टू द हार्ट ट्यूबुलर हार्ट जो कि न्यूरोजेनिक हार्ट है उससे अटैच है और वो सर्कुलेटरी पाथवे में हेल्प करते हैं द सर्कुलेशन ऑफ हेमोलियम इट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एक्सप्रेशन तो, तो इसलिए आंसर आपको एलरी मसल मार्क करना था अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 188 क्वेश्चन नंबर 188 आपको एनिमल किंगडम से पूछा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फाइजिलिया पोर्तुगेज मैन ऑफ वॉर है एडामसिया सी एनिमोन है गोरगोनिया सी फैन है

So, एलवीड हुआ तो निमोनिया ओके okay? फिर तुम्हारा अगर ऐसे आ गया हमारो कि इन्फ्लेन ब्रॉन्काइन ब्रॉक्योजन ऐसे याद रखना पड़ेगा इन्फ्लेन ऑफ ब्रॉकाइन एजमा तो इसलिए ये निकल गया क्योंकि ये इसका कैरेक्टर फाइब्रोसिस ऑफ लंग अगर आया तो ऑक्यूपेशन अर्ड डायरेक्ट डायरेक्ट आता है सेम याद करके रखना है कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है सुपरफिशियल रखना है ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं वन नाइनटी द फॉलोइंग जो कि बहुत सिंपल है लोकोमोशन एंड मूवमेंट से फाइब्रस ज्वाइंट वन सी सूचर्स में आपने स्कल uh, का डायग्राम देखा होगा स्कल में अगर हम देखें दे आर कनेक्टिंग पॉइंट्स देर विद द स्कल ओके तो दिज आर सूचर्सिजिन ज्वाइंट टू ए दर इज बिटवीन एडजस्टन वोटरी Pivot अगर है तो आपको पता है बिटवीन दिस एंड एक्सिस फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री एंड बॉल एंड सॉकेट अगर है ह्यूमरस एंड पैक्टोरियल गार्डन सो इन दैट रिफरेंस अगर हम देखें तो आंसर इसमें आ रहा है सी दैट इज वन सी टू ए थ्री डी फोर बी तो इस रिफरेंस से आपको आंसर हम करना था सी चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं क्वेश्चन नंबर 192. नाइनटी टू स्टार्च गिव ब्लू कलर विथ आयोडीन क्योंकि स्टार्च में सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर है और वो आयोडीन को ले सकता है उससे ब्लू कलर आता है आयोडीन इज कंसिडर टू बी इंडिकेटर वो हमें बताता है किस खाने में स्टार्च है प्लस ग्लाइकोजन भी उससे अटैच हो पाता है लेकिन सेलुलोज अटैच नहीं होता क्योंकि उसमें सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है वो याद रखना था तो इसमें आपको आंसर मार्क करना था इट कैन होल्ड आयोडीन मोलिकल्स एन हेलिकल पोर्शन ऑफ द सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर नेक्स्ट अभी देखेंगे इसमें uh, 193 नाइंटी थ्री एसर्शन हैमोडाइलिसिस कैन सेव प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ यूरेमिक पेशेंट एक्सक्रीशन का है रीज़न वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया कैन भी रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाई द प्रोसेस ऑफ हेमोडाइलिसिस हमें पता है कि यूरिया अगर ब्लड में से होके कहीं पे जमा होता है वो किडनी है अगर हम तुरंत किडनी को ना निकाले उसकी गलती के लिए किडनी मेल फंक्शनिंग से ही यूरिमिया होता है और वही मेल फंक्शनिंग से किडनी फेलर हो सकता है उस चीज़ को दूर करने के लिए उसे सेव से करने के लिए हमें हेमोडायलिसिस करना है जिससे कि हम उसके ब्लड से यूरिया को रिमूव कर पाए बाय एक्सचेंजिंग विद डायलिसिंग सोल्यूशन तो रीज़न भी करेक्ट है एसर्शन का एसर्शन रीज़न दोनों ही करेक्ट है इसलिए इसमें ऑप्शन ए आ रहा है

नेक्स्ट ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसके कारण फॉस्फोरस और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होगा द बेस्ट आंसर इज योर पैराथेर ग्लैंड क्योंकि वो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों को ही मेंटेन करने में हेल्प करता है ब्लड में तो ऑटोमेटिकली आपको याद रखना जब भी यहाँ पे कैल्शियम आपको मिल गया ठीक है तब उसको याद रखना है कि पैराथोरेड आ रहा है पैरोटिड का कोई लिंक नहीं वो सेलाइवरी ग्लैंड है इसका लिंक आएगा ही नहीं ओके एड्रिनल कॉर्टेक्स का कोई भी लिंक नहीं है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से कॉर्टिसोल रिलेटेड है एल्ड्रोस्टोन पानी और नमक के साथ रिलेटेड है सेक्स कार्टिक्वायर्स आपके बैलेंस ऑफ एस्ट्रोजन और उसके साथ मिलके काम करता है तो इसका कोई लिंक ही नहीं आ रहा है बाकी रह गया पेनक्रियास थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है इसलिए हमें डालना पड़ रहा है सेक्शन बी में पेनक्रियास इज मेनली रेगुलेटिंग द ग्लूकोज लेवल तो बचा आपका यही तो इसलिए आपको यही मार्क करना था कैल्शियम देख के आप मार्क कर सकते हो ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं विच ऑफ सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग फॉर द सेरेब्रम ये ह्यूमन ब्रेन से पूछा है आपको पता है सेरेब्रम इज रैप अराउंड ए स्ट्रक्चर जिसे हम थैलेमस बोलते हैं और वो हाइपोथेलमस के ऊपर होता है जो कि हम यही मार्क करेंगे क्योंकि थैलेमस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग ऑफ आवर ब्रेन ओके okay, एक चीज़ और देख लेना हाइपोथलमस का जितना भी पॉइंट है जैसे मूड स्विंग्स हो टेम्परेचर रेगुलेशन हो एंगर हंगर हो मोटिवेशन हो सेक्सुअल बिहेवियर हो सब लिख लेना कॉर्पोरा क्वाड्रिज में ना मिड ब्रेन का पार्ट है जिसका रोल इतना लिखा नहीं है बट दे आर ऑल्सो कंट्रोलिंग विजुअल एंड ऑडिटरी इंटरप्रिटेशन साइट है एमिकडेला हमारे लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है जो कि स्ट्रांग इमोशन को कंट्रोल करता है अगर इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन का भी पूछा और लिम्बिक सिस्टम ऑप्शन में नहीं है तब आंसर एमिकडेला हो जाएगा ये देख के रख

रीज में कितना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है एल में कितना है और एटमोसफेयर में कितना है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है नेक्स्ट है 198, किया तो अभी ज अ फ्लाइंग फॉक्स ऑटोमेटिकली आंसर निकल जा रहा है मेमल विथ फ्लाइट ये भी एकदम सुंदर क्वेश्चन है लिए लिए होगे. और किटकेट ब्रेक के तरह ही क्वेश्चन है अच्छा लग रहा होगा बीच बीच में लास्ट क्वेश्चन रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट वन बीसेल्स वॉक चीफली बाय प्रोवाइडिंग द आर्मी ऑफ प्रोटीन दट इस एंटीबॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाई एंटीबॉडीज इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हमें पता है कि जो बीसल्स होते हैं और वो बनते हैं बोन मेरो में हर टाइप्स ऑफ सेल्स ही ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मेरो में उसके बाद बीसेल्स का काम होता है एंटीबॉडीज बनाना विद इंस्ट्रक्शन ऑफ टी हेल्प जब उसे आके बोलेगा वही एंटीबॉडी को हम बोलते प्रोटीन और वो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स का पार्ट है ओके okay? तो आज का पेपर हम यहीं पे खत्म हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो गया अब हम आपको थैंक यू बोलते हैं ओके okay?